हेलो क्लास 10, आज हम करेंगे वर्कशीट 22 और अम्ल क्षारक और लवण। ये चैप्टर आपका चल रहा है, इसी के कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यूज़। और पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि तनुकरण क्या होता है और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। आज हम समझेंगे पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या है और कैसे वो किसी भी अम्ल की कंसंट्रेशन को बताता है कि कितने उसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति किस प्रकार से होगी या क्षारक की शक्ति किस प्रकार से होगी। तो अम्ल और क्षारक की शक्ति एच आयन्स और ओ एच आयन्स की संख्या पर निर्भर करती है। अगर अधिक एच आयन्स होंगे तो वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं और कम एच आयन्स उत्पन्न करेंगे तो वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो ये ज्ञात करने के लिए कोई दिया गया अम्ल है वो दुर्बल है या प्रबल है उसको हम पीएच स्केल पर नाप सकते हैं। तो किसी विलयन में एच आयन्स की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जो पैमाना बनाया गया है बच्चों, उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल, जैसे एच इसमें आ रहा है, वो एच आयन्स की शक्ति को बताता है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार के हैं, इसमें एच आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आप नोट करेंगे कि उदासीन विलयन जो होते हैं उनका पीएच 7 होता है, और पीएच के स्केल पर 7 से कम जो मान है वो अम्ल को दर्शाएगा और 7 से अधिक जो मान है, 14 तक इसका स्केल होता है 7 से लेकर, वो दिखाता है कि उसमें एच आयन्स की सांद्रता जो है वो कम हो रही है और ओ एच आयन्स की सांद्रता बढ़ रही है, मीन्स कि वो क्षारक बनते जा रहे हैं। अब यहाँ से आप ये देखिए पीएच स्केल है, इसमें अलग अलग कलर्स हैं बच्चों। ये आप देखते हैं ग्रीन कलर, क्योंकि वाटर की जो पीएच होती है वो 7 है और वो एक तरह से ग्रीन कलर देगा अगर हम उसको पीएच स्केल पर नापेंगे तो। और इधर आप देखें कि ये ग्रीन से रेड होता जा रहा है, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, फिर लास्ट में रेड। इट मीन्स कि जो प्रबल अम्ल होंगे वो रेड कलर का इंडिकेट करेंगे। और इसी प्रकार हम इस साइड देखें अगर अपने राइट हैंड साइड पर, तो ग्रीन से ये ब्लू कलर जा रहा है और डार्क ब्लू हो गए, लास्ट में जाकर ये डार्क ब्लू हो रहा है। इट मीन्स कि ओ एच आयन्स जो हैं, मीन्स जो क्षारक हैं, वो आपका डार्क ब्लू कलर देंगे। तो इस स्केल से हम बता पाएंगे, अगर हमने इंडिकेटर हमारे पास है और हमने देखना है कि कोई भी एसिड या बेस है वो कितना प्रबल या दुर्बल है, तो हम यहाँ से जान सकते हैं। अब इस पीएच वैल्यू का जो इफ़ेक्ट है इसको हम यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में। जैसे कि पौधे और जानवर केवल पीएच परिवर्तनों की सीमित सीमा में रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। और आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर 7 से 7.5 पीएच की रेंज में काम करता है। ओके, तो क्वेश्चन बेटा इस तरह से पूछा जाता है कि किस रेंज में जो है एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है। तो 5.6 से कम अगर है तो वो अम्लीय वर्षा हो गई। ओके, और जब ये अम्लीय वर्षा नदियों या झीलों जैसे जल स्रोतों में मिलती है तो इस पानी का पीएच जो है वो कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान होता है। इसलिए कहते हैं ना एसिड रेन जो है हार्मफुल है और ये पोल्यूशन के कारण हो रहा है। इसके अलावा हम देखें जो हमारे पेट में जो पीएच है उसका मान अगर कम हो जाएगा तो भी एसिडिटी हो जाती है, और हमारे मुंह में अगर पीएच का मान कम हो जाता है तो हमारे दांत जो होते हैं वो सड़ जाते हैं। और बेटा मिट्टी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यू, वैसे तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, बट प्लांट्स जो ग्रो करते हैं अगर पीएच में चेंजेस आ जाएंगे तो मिट्टी जो होगी वो बंजर हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी। तो ये हमें ध्यान देना है दैनिक जीवन में। अगर एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं तब आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर पाए। अब देखिए एक्सरसाइज कि आपके पास ए और बी दो विलयन हैं। विलयन जो ए का पीएच है वो 6 है और विलयन बी का पीएच 8 है, तो दोनों में से किस विलयन की एच आयन सांद्रता अधिक होगी। एच आयन सांद्रता का मतलब अम्लीय, तो एच आयन सांद्रता आपको पीएच 6 में ज़्यादा मिलेगी, पीएच के अंदर ओएच की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इट मीन्स आपका आंसर हो गया ए। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर दिए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है। क्योंकि एच आयन की सांद्रता जिसकी ज़्यादा होती है वो अम्लीय होते हैं, और जिनकी एच आयन सांद्रता कम होती है और ओ एच सांद्रता ज़्यादा होती है वो क्षारीय होते हैं। तो आप यहाँ से उसको सही से लिख सकते हैं देखकर। ओके बच्चों, अब देखिए ताजे दूध का पीएच अगर 6 है तो इससे दही बन जाने से इसके पीएच में किस प्रकार परिवर्तन आएगा।
तो बेटा अगर ताजे दूध का पीएच 6 है और दही बनाया, दही बनने का मतलब उसमें एसिडिक प्रवृत्ति आ गई है ना, क्योंकि उस पर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्ट करते हैं और उसको परिवर्तित कर देते हैं दही में, तो पीएच क्या होगा उसका, पीएच हमारा 6 से कम हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे लेस देन 6। तो 6 बनाकर आप लेस देन का साइन दिखाएंगे, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेस देन 6 हो जाएगा एसिड, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, इसलिए उसमें लैक्टिक एसिड होने के कारण उसका पीएच कम हो जाएगा। शुद्ध दूध का पीएच, शुद्ध जल का पीएच 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसकी प्रकृति उदासीन हो गई, क्योंकि 7 जो होता है वो उदासीन प्रकृति होती है और जल जो है न्यूट्रली बिहेव करता है। ओके बच्चों, तो अच्छे से आपने पीएच स्केल को समझा और क्वेश्चंस को ध्यान से करना। थैंक यू बच्चों।